साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए, मनी के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, या ये कहा जाए तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आपको टोटका आपको बता रहा हूं। ये करने के बाद में आप देखेंगे सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। बिना खर्चे का उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि काफी आप लोगों ने उपाय कर लिए अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए और रेमेडीज अगर आपको वर्क नहीं कर रही हैं तो एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लें। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम होगी तो रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी उपाय किए जाते हैं इंस्टेंट रिजल्ट आता है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और काफी लोग के साथ में प्रॉब्लम होती है, बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज का जो प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कम से कम इतना पैसा तो आए कि आप अपना घर परिवार चला सकें, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो। जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जाएं मनी के ब्लॉकेजेस कर देती हैं। पैसा आता भी है, टिकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यापार वगैरह करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें आगे हमें ग्रोथ नहीं मिलती है। तो यदि आपका व्यापार बिजनेस वगैरह है, आप उसमें ग्रोथ चाहते हैं, आपकी कोई नौकरी पैसा है, आप चाहते हैं उसमें सैलरी इंक्रीज हो, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आता रहे, तो आपको ये ब्लॉकेजेस आपको हटाने पड़ेंगे। ब्लॉकेजेस कैसे आते हैं, कभी कभी किसी की नजर लग जाती है, किसी की हाय लग जाती है, किसी की बद्दुआ, या कुछ लोग जेलस में क्या करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र कर देते हैं, टोने टोटके कर देते हैं, तो इससे क्या होता है लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। तो आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं ये सारे प्रकार के तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर कर देगा। जो भी टोना टोटका जो बंदिश है उसको आपको हटा देगा। इस प्रयोग को यदि आप बुधवार के दिन में, शनिवार के दिन में, रविवार के दिन में या अमावस्या पूर्णिमा के दिन में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अर्जेंट नीड है किसी भी दिन से इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। प्रयोग आपको रात्रि में करना है। रात्रि में जब सोने जाने लगते हैं तब आपने एक कांच की ग्लास में आपको पानी लेना है। कांच की ग्लास ही आपको लेनी है, ठीक है। साथ में आपको लेना है फिटकरी का टुकड़ा। फिटकरी दो प्रकार की आती है, एक आती है व्हाइट में, एक आती है ब्राउन में। आपको व्हाइट वाली फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा आपको ले लेना है। बिल्कुल जस्ट जब रात में सोने जाने लगते हैं तब इस रेमेडी को आपको करना है, ठीक है। तो आपने कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी ऐड किया, एक टुकड़ा फिटकरी का उसमें आपने डाल दिया। अब यदि आप बेड में सोते हैं या जमीन में सोते हैं, जहां भी आप सोते हैं, जो बिस्तर वगैरह होता है, तो उस बिस्तर में आपको क्या करना है, इस ग्लास को भर करके 9 बार क्लॉक वाइज पूरे बिस्तर से आपको उसको उबार लेना है, घुमा देना है। 9 बार आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद में जब रात में आप सोने लगे तो सोने के बाद इसको अपने पैर के नीचे साइड में आपको कहीं भी आपको रख लेना है। ऐसा रखना है कि रात में सोते समय पैर लगे से गिरे ना, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। रात भर जो भी नेगेटिविटी होगी, देखिए नकारात्मक ऊर्जा पैरों के जरिए हमारे ऑरा में आती है, तो आपको पैरों के जरिए इसको बाहर करना है। तो आपने पैर के नीचे साइड में वहां पर रख लिया, रात में थोड़ा दूरी में रखें, एकदम पास में रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूरी में रख देंगे, रात में गिरे ना, इसने अपने हिसाब से थोड़ा इंतजाम कर लें और रात भर उसको वहां रखे रहने दें। अब मॉर्निंग में आपने क्या करना है, सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है, हो सके तो अलार्म वगैरह लगा लें। और इसको मॉर्निंग में जैसे कि आपने उठ गए तो सूर्योदय से पहले आप उठ जाते हैं, आप इसको ग्लास को उठा करके आपको घर के अंदर इसको फ्लैश नहीं करना है, घर के बाहर कोई नाली है, कोई गंदी जगह है, कूड़ा करकट होता है, तो वहां पर ले जाकर इसको आपको फेंक देना है। अगर इसको आप शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू 7 डेज करिए।
बुधवार से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू 7 डेज करिए, रविवार से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू 7 डेज करिए, या अमावस्या पूर्णिमा से 7 डेज कंटिन्यू करना है। मैं तो बोलता हूँ मंथली मंथली इस प्रयोग को आप करते रहिए। दुर्भाग्य जो होता है ना, जिसे बैड लक कहा जाता है, वो टोटल आपका पीछा छोड़ेगा। हमारी लाइफ में परेशानी दुर्भाग्य के कारण ही आती है, और बैड लक से यदि चाहते हैं कि छुटकारा मिले, दुर्भाग्य से छुटकारा मिले, तो इस प्रयोग को कंटिन्यू आप करते रहिए। और एक छोटा सा प्रयोग और आप कर लें, एक आप ले लेना है फिटकरी का टुकड़ा, और इसको आप बना लेना है आपको पाउडर, और उतनी क्वांटिटी में ले लेना है पिसा वाला नमक, दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। किसी कांच के जार में इसको भर करके रख लेना है। अब करना क्या है, इसको आपको जब नहाते हैं तो 3 चुटकी पाउडर नहाने के पानी में आपको ऐड करना है। ये डेली अगर आप करते रहेंगे तो बाहर जब इसको इससे पानी से नहा करके निकलेंगे तो 24 आवर्स तक आपका ऑरा एकदम क्लियर रहेगा, बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं करेगी। और घर में यदि वास्तु दोष है, घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, फिटकरी और नमक का दोनों का पाउडर का आपको पाउडर बना लेना है, और इसको आपको स्प्रे बॉटल आती है तो उसमें पानी भर के पाउडर उसमें ऐड कर देना है। और घर में आपको डेली सुबह शाम इसका स्प्रे पूरे घर के कोनों कोनों में, पूरे घर में इसका स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, वो आपकी वास्तु की हो सकती है या किसी के तंत्र मंत्र की, कुछ भी होगी, वो आपकी कटना शुरू हो जाएगी और आपके घर में धन पैसों की बरकत होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, इसको आप आजमा करके देखिए। जब तक कोई चीज आजमाते नहीं है तब तक उसका रिजल्ट समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि इसका रिजल्ट आपको लेट मिले, कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, कुछ लोगों को लेट आता है। हो सकता है आपको 11 डेज 21 डेज में रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट इसका 100% आएगा। और जो मैंने आपको पांव के नीचे रखने वाले बताया है, इसको तो आप मंथली मंथली करते रहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है सभी जानते हैं जलस में कोई ना कोई कुछ तंत्र मंत्र नजर हाय बदुए करते ही रहते हैं, तो आपका ऑरा एकदम क्लियर रहे, तो जिससे मनी की जो एनर्जी है वो ब्लॉक ना हो, तो आप मंथली मंथली 4 दिन उसको करते रहिए। अगर इसको अप्लाई करते रहेंगे तो आपको कभी भी धन पैसों की कमी नहीं आएगी। पूरे विश्वास से करके देखिए इसको, ठीक है। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूँ। जानकारी को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपके एक छोटे से शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। घर बैठे आप किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। शेयर जरूर करें। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन यदि चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।